गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपन प्रीपीजी का एग्जाम हुआ है, बहुत ही खुश हैं और अच्छा मैटर है। कट ऑफ भी ठीक ठाक जाएगी, अभी लगा रहे हैं अंदाज, फिर आपको कट ऑफ भी बता दी जाएगी कितनी जाएगी। लेकिन आपका पेपर का एवोल्यूशन बता देते हैं कि क्या रहेगा इसमें। थोड़ा सा पोर्शन थोड़ा हार्ड आया था कुछ सब्जेक्ट्स में, कुछ में बहुत ही ईजी आया था, लेकिन कॉम्बिनेशन देखा जाए प्रीपीजी का यही लेवल रहता है। ठीक है, आपने साल भर मेहनत की है तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और कईयों के साथ क्या, कुछ क्वेश्चन नहीं आए तो टेंशन में आके, कईयों अभी कॉल आया कि सर हमने कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे थे तो रेगुलर तो टेंशन में आ गए। ऐसा कुछ नहीं है, वो प्रीपीजी का होता है, तो ऐसा कोई समस्या वाली बात नहीं। बहुत ही अच्छा रहा है परफॉर्मेंस बच्चों का, जिन्होंने हम कॉल किया है कि सर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, तो अपन देखते हैं एक बार फिर अपन करेंगे। कोई ज़्यादा आपकी भी लग रहा होगा कि सर आंसर की होना चाहिए जल्दी से जल्दी, ताकि हम एक बार मैच करके शाम का सिस्टम जमा लेंगे ना, तो वो आपको बताया जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें, द मेजर डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन इज, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ। तो इसमें आएगा द ड्राइंग इज, इसमें कौन सा आएगा, फोर आएगा। ठीक है, द ड्राइंग इज रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द सॉलिड सेमी एंड सॉलिड लिक्विड कंटेनिंग, वाइल डिहाइड्रेशन इज द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द वाटर कंटेनिंग कंपोनेंट। इसमें फोर आएगा, तो फर्स्ट में आएगा फोर। ये जो सीरीज है वो डी सीरीज है, जो पेपर की जो सीरीज है वो डी सीरीज है, जो आपके प्रीपीजी का पेपर है उसमें कौन सी सीरीज है, डी सीरीज के क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन एग्रोमी से, जो आपको पीछे आपने मैराथन लिया उसमें पूछा बता द, हाँ, व्हाट इज द मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल ऑफ द प्योर वाटर। मैंने आपको पेपर सोल्व करा उसमें बताया मैंने आपको, तो इसमें कौन सा आएगा, जीरो। कितना आएगा इसमें, जीरो आएगा। कौन सा आएगा इसमें, जीरो। बहुत ईजी क्वेश्चन था, ये भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं इसमें, ठीक है, द टू इंप्रूव मिल्क प्रोडक्शन ऑफ नॉन डेस्क्रिप्ट बेफेलो द फॉलोइंग बेफेलो ब्रीड इज वाइडली यूज फॉर ब्रीडिंग। तो यहां पर कौन सा आएगा, मुर्रा आएगा। कौन सा आएगा, मुर्रा आंसर आएगा। ये भी मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, डी सीरीज है, आप इसमें मैच करते जाइए। जो डी सीरीज नहीं है तो आप अपना पेपर खोल सकते हो आराम से, मैं ज़्यादा हार्ड नहीं लेके जा रहा हूँ, ज़्यादा फास्ट नहीं लेके जा रहा हूँ, ताकि आप अभी आप मैच कर सकते हो। तो कौन सा आएगा इसमें, मुर्रा आएगा, थर्ड आएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर चार है, डी सीरीज है, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ ये कौन सी सीरीज है, डी सीरीज है। ठीक है, अब है द स्ट्रक्चरल बॉटम हीट बॉक्स इज जनरली यूज्ड फॉर, तो यहां पर कौन सा आएगा, कटिंग। कौन सा आएगा इसमें, थर्ड आएगा, कटिंग्स रूट के लिए, किसके लिए, कटिंग रूटिंग के लिए आएगा। ठीक है, कटिंग ऑफ रूट्स के लिए आएगा ये, तो इसमें कौन सा आएगा, थर्ड आएगा। ठीक है, अब ये चीजें इतना ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत ही ऐसा लेवल का भी पेपर है, ऐसा लेवल आना भी चाहिए ताकि तैयारी करने वाले को फायदा मिलना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव, ठीक है, एक्रिडिडी इन एक्रिडी द टिम्फेनियम इज द प्रेजेंट ऑन, कौन से पार्ट में होती है, तो यहां पर कौन सा आएगा, फर्स्ट एब्डोमेन सेगमेंट। कौन सा आएगा इसमें, फर्स्ट एब्डोमेन सेगमेंट आएगा, थर्ड ऑप्शन आएगा इसमें। कौन सा आएगा, थर्ड। ये जो पेपर की सीरीज है डी है, बहुत ही शानदार जो माहौल बन रहा है कि सर इसमें क्या रहेगा, कि रियली में जो पढ़ने वाले बच्चे जिन्होंने साल भर मेहनत की है, जो भी जूनियर है, उनको अच्छा फायदा मिलेगा इसमें। क्योंकि पेपर ऐसा नहीं था कि जो कि सर कहीं से भी क्वेश्चन आ गए, ऐसा नहीं, जिन्होंने लेवल मेंटेन किया तो मतलब यहाँ आसपास ही बनाए, ज़्यादा इसमें ऐसा नहीं है, तो ज़्यादा ऐसा नहीं कि सर पेपर का ऐसा जो पढ़ा है उसको लाभ मिलेगा, डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा इसमें। ठीक है, ज़्यादा पेपर का लेवल भी नहीं था और ज़्यादा ईजी भी नहीं था, पेपर ऐसा ही होना चाहिए ताकि सभी को बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर छः की बात करते हैं, द टोमेटो ट्रांसजेनिक वेराइटी फ्लेवर सेवर वॉज डेवलप्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी। सबसे बात करें इसमें तो कौन सा इसमें, एंटी सेंस आरएनए टेक्नोलॉजी। कौन सा आएगा इसमें, सेकंड आएगा। कौन सा आएगा, एंटी सेंस आरएनए टेक्नोलॉजी आएगा। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो, द प्रोजेनी ऑफ द क्रॉस बिटवीन टू जेनेटिक डिफरेंट होमोजेन्स प्लांट्स इज नोन एज, तो यहां पर कौन सा आएगा, थर्ड, F1 वेराइटीज। कौन सा आएगा इसमें, F1 वेराइटी आएगा। देखो, ब्रीडिंग के भी काफ़ी शानदार क्वेश्चन आए हैं, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन आए हैं और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन भी कह सकते हैं उनको कुछ क्वेश्चन। और देखो, इसमें ये होती है कि 100 क्वेश्चन में किसी भी एग्जाम की कट ऑफ 100 नहीं जाती, आप भी जानते हो, तो कुछ तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको अपने को समझना पड़ता है कि वास्तव में रियली, जैसे कई अभी जो अपने सुंदर सर भी आएंगे आपको बताएंगे, कुछ क्वेश्चनों में थोड़ा लैंग्वेज चेंज है, लेकिन शानदार सर ने करवाया, उन्होंने कि बोला कि सर एग्जैक्ट मिला है, लेकिन बच्चे उनको क्या, जिन बच्चों का कॉल आया उन्होंने सर ट्रिकी क्वेश्चन थे, बहुत ही शानदार हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन आने भी चाहिए ताकि रैंक बूस्ट होती है उनसे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं एग्रोनॉमी का, तो आपको लगता है बहुत ईजी था, सभी कर देंगे, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था और जो पढ़ाया जो सभी लगभग आया है उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आठ की बात करते हैं,
बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको बार बार मैंने करवाया आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इरोजन इज नॉट टाइप ऑफ सोइल इरोजन कॉज्ड बाय वाटर। ठीक है, तो यहां पर सिंपल सी बात है, देखो आराम से दिख रहा कौन सा नहीं आएगा इसमें, सैंड एंड्स नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला नहीं है इसमें, सभी क्या होते हैं, वाटर से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये भी। ऐसे क्वेश्चनों का गलत नहीं करना डियर, अगर आपको ऐसा गलत हो जाता है ऐसी कोई नहीं होता है, लेकिन आपके और भी सही होना चाहिए। यही क्वेश्चन होते हैं जो आपकी रैंक को मेंटेन करते हैं, लेकिन जो ट्रिकी क्वेश्चन है जो सोइल साइंस में है, रियली में ट्रिकी क्वेश्चन है, वो आपकी रैंक को बूस्ट कर सकते हैं, वैसे क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पर बात करते हैं द टैक्सोन सब क्लासेस एंड विद द सफिक्स किसके साथ होता है। तो यहां पर जो ऑप्शन है कौन सा आएगा, माइकोटीना, कौन सा आएगा इसमें, माइकोटीना, यहां पर कौन सा आएगा, सेकंड ऑप्शन आएगा। ठीक है, और यहां पर बच्चे काफी भी दे रहे हैं सर 3, 2, 3, हाँ अभी आप मिला सकते हो, जेट के भी मैंने आंसर की डाल दी साइड पे, आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वाटर यूज एफिशिएंसी, कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये तो गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपका ऐसा लगता है ये क्वेश्चन गलत है तो देखो थोड़ा समस्या बढ़ सकता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। वाटर यूज एफिशिएंसी होती है वाई बटा आई टी, कितना होता है वाई बटा आई टी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये तो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिफाई द पैरासिटोइड पपाया मिली बग, तो यहां पर कौन सा आएगा, ऑल ऑफ दी जबाव, कौन सा आएगा, ऑल ऑफ दी जबाव। ठीक है, यहां पर कौन सा आएगा, चौथा क्वेश्चन आएगा, कोई समस्या लेने की बात नहीं है, आप टोटल करना कितनी आई है, जो भी हम आपका टॉप आपको बता दी जाएगी, अभी कर रहे हैं थोड़ा ज्यूम ताकि बच्चों से मालूम चले क्या रहा लेवल, क्या रहा एक बार आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, हाँ बच्चे पूछ रहे हैं सर कट ऑफ कितनी रहेगी, तो वो भी बता दिया जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, ये आपको दोबारा बता रहा हूँ, डी सीरीज है, पेपर की कौन सी सीरीज है, डी सीरीज है, अगर किसी की सीरीज ये भी नहीं है कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप वहां मैच कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर है ए प्री स्टोरेज ऑफ प्री सिपिंग शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रीटमेंट फॉर कट फ्लावर फॉर लॉन्ग स्टोरेज ऑफ डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, यहां पर तीन आए, कौन सा आएगा, फ्लशिंग की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी थोड़ा। ठीक है, इसमें थोड़ा आपको लगता है, लेकिन अगर साल भर मेहनत की, रियली बोल रहा हूं आपको, बहुत ही अच्छा फायदा मिला होगा, पेपर का लेवल ऐसा था कि वास्तव में जो पढ़ने वाले हैं उनको जरूर फायदा होगा। यहां पर बोले सर यहां पर प्री पीजी में अच्छा हुआ है, कमेंट पढ़ रहा हूं, अच्छा ये नरेंद्र पाल पूछ रहे इसमें, नरेंद्र आज का तो जेट का एग्जाम हो दिया, ठीक बहुत अच्छी बात है, प्री पीजी का भी देना जरूरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, साइटोप्लाज्मिक एंड जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक एंड जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी इन प्लांट्स वाज डिस्कवर्ड बाय, ठीक है, तो यहां पर किसके द्वारा किया, जोन्स एंड डेविस के द्वारा 1944, ये भी क्वेश्चन शानदार है, इजी कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 14, ठीक है, यहां पर क्वेश्चन नंबर 14 है, टोमेटिक इंसिमिनेशन इज ऑब्जर्व इन विच फैमिली, तो यहां पर कौन सी है, तो यहां पर कौन सा आएगा इसमें, सिमिसिडियेसी, कौन सा आएगा इसमें, सिमिसिडी है ना, तो यहां पर कौन सा आएगा इसमें, सेकंड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो ये भी सर ने एग्जैक्ट लिखा रखा है क्वेश्चन, बहुत ही शानदार, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा लगता नहीं कि आप इसको गलत करके आओगे, कई सारे बच्चों को सर सिलिकॉन करके आए, अरे भाई इसमें आराम से दिख रहा आपने कहां से था, मोस्ट एब्डोमेन क्या, अबंडेंट प्राइमरी मिनरल आर क्वार्टर, तो सिंपल सी बात, क्वार्ट्ज और कौन सा आएगा इसमें, फेस फायर का आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका तो लेवल आप समझ गए, लेकिन इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, तो कौन सा आएगा इसमें, सेकंड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मेज क्रॉप ए क्रॉस बिटवीन एन इनब्रीड एंड ओपन पॉलिनेशन वेराइटी इज कॉल्ड, क्या कहलाता है उसमें, टॉप क्रॉस कहलाता है, क्या कहलाता है उसमें, टॉप क्रॉस कहा जाएगा, यह भी सिंपल क्वेश्चन है, यह भी आपने कर दिया होगा, एक बता रहे हैं सभी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, Which canes are recommended for canning of strawberry? तो यहां पर कौन सा आएगा, एसिड रेसिस्टेंट लिक्विड कैंस की बात करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन आएगा, कौन सा आएगा, फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। ठीक है, और यहां पर ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, What is the net ATP production? कौन सा आएगा, नेट ATP production under anaerobic respiration in plant? तो anaerobic में सिंपल सा क्वेश्चन है, भी कौन सा आएगा इसमें, 2 ATP, कितने आएंगे इसमें, 2 ATP आएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन टोटल यूटिलिटी बिकम मैक्सिमम एंड मार्जिनल यूटिलिटी विल बी, कौन सा आएगा इसमें, 0। देखो आपको पहला बोला था, मैं पहले बोला था इस बात के लिए कि इकोनॉमिक्स में है, वास्तव में आपकी रैंक को बूस्ट करता है, ज़्यादा सिलेबस नहीं होता है, समझने की बात होती है, और रियली बहुत ही शानदार, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपको लगता है ग्राफ में से आया, कोई समस्या है नहीं इसमें, किसी के भी नहीं होगी शायद। अब क्वेश्चन नंबर आपके 20, अनाबे
अनाबे साय, अनाबे रोगा और फूट रोट इज द डिजीज ऑफ, ठीक है। तो यहां पर कौन सा आएगा, अरेका नट, कौन सा आएगा, अरेका नट। अब नेक्स्ट बुलाना चाहूंगा सुंडा सर, जो भी अभी आ रहे हैं, सुंडा सर भी आज दोनों से कॉम्बिनेशन से आज प्रीपीजी की डिसाइड की है। जो सर हैं अभी यहाँ पर वो अनुपलब्ध है, लेकिन वो भी आपके सामने आते, लेकिन कुछ कुछ कारणों से सर गए हैं, तो हमारे सुंडा सर आ रहे हैं, जो भी आपको कराएंगे दोनों ही साथ में चलते हैं, ताकि अच्छा लगेगा और काफ़ी इंटरेक्ट रहता है सभी का हमारा। और सुंडा सर तो आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा हाई है इनका कि सर अच्छा प्रीपीजी का गया है, तो उसके ऊपर क्या आपको इसका आंसर के साथ में बात करना है। हाय फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग अब तक 20 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो और आई थिंक जैसे मैं कमेंट देख पा रहा हूँ ऑलमोस्ट सभी बच्चों का अच्छा पेपर गया है, एंड आई होप कि बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो भी आप लोगों के बहुत अच्छे हुए होंगे। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 21 की, तो अभी काफ़ी बच्चों के मेरे पास कॉल भी आए कि सर जो सॉइल का पेपर था वो काफ़ी ठीक नहीं गया हमारा, तो मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगा कि मुश्किल से दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो रियल में बहुत अच्छे लेवल के हैं और उन्होंने आपको काफ़ी परेशान किया होगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, वो आपके लिए नहीं सभी के लिए टफ थे, क्लियर है ये चीज़, आप अपने माइंड में डाल लो। कभी भी दो क्वेश्चन अगर टफ आ गए तो वो सभी के लिए है, नॉट ओनली एक सिंगल कैंडिडेट के लिए नहीं है ऐसा, वो सभी के लिए है। पर मैं आपको बता दूँ, हमेशा ऐसा होता था कि जो माइनर सब्जेक्ट है वो हमेशा आपकी रैंक डिसाइड करते थे, आपका सिलेक्शन डिसाइड करते थे, लेकिन अब की बार सॉइल और एग्रो के मिलके इतने क्वेश्चन आए हैं कि किसी बच्चे ने इन पे फोकस किया तो मैं दावे के साथ कहना चाहूंगा कि उस बच्चे का सिलेक्शन 100% होगा। जैसे हम बात करते हैं क्वेश्चन की, अगर इस क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं सबसे पहले, तो अंडर लॉ ऑफ ऑप्टिमम डिमांड की हम बात करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा थर्ड, जिसका मतलब हो जाता है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। अगर इसके हम आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर रहेगा चल, हाँ तो बेटा यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर रहा है, तो इसको मैं ठीक करना चाहूँगा। ये क्वेश्चन जो 21 की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर था, इसके लिए माफी चाहूँगा, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर था। अंडर द लॉ ऑफ डिमांड की हम बात करते हैं, तो अगर हम इसका आंसर देखते हैं तो ये सारे के सारे जो है वो लो के जो डिमांड है उसके लो है, जिसमें बात करते हैं प्राइस ऑफ कॉमोडिटीज एंड, या फिर बात करते हैं क्वांटिटी डिमांड इज ए डिपेंड ऑन वेरिएबल्स, थर्ड की बात करते हैं रेसिप्रोकल रिलेशनशिप इज फाउंड बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये, यहाँ पर थोड़ा सा माफी चाहूंगा बेटा, यहाँ थोड़ा सा एरर रह गया था, है ना। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है, अंडर लॉ ऑफ डिमांड इसका राइट आंसर रहेगा 4। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, ट्रेंचिंग अराउंड द ग्राउंडनट फील्ड इज डन टू चेक द अटैक ऑफ, कि जो इंसेक्ट आपको दिए हुए हैं इनमें से किसके अटैक को रोकने के लिए जनरली हम क्या करते हैं, ट्रेंचिंग करते हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि जो रेड हैरी कैटरपिलर होता है जनरली फील्ड के चारों तरफ हम क्या कर देते हैं, खाई खोद देते हैं, ट्रेंचिंग करते हैं, जिससे वो क्या करता है एक फील्ड से दूसरे फील्ड में नहीं जा पाता है, और उस खाई के अंदर हम क्या कर देते हैं इंसेक्टिसाइड डाल देते हैं, जिससे उसके अंदर जाने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करना चाहूंगा, जो क्वेश्चन नंबर 23 रहा है आपका, उसकी अगर हम बात करते हैं, चूज द एरोमेटिक क्रॉप फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी क्रॉप है जो एरोमेटिक का एग्जांपल है, तो इसका राइट आंसर जो है वो है दवाना, इसका राइट आंसर है। तो आप लोगों को ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या है, दवाना जो है वो एक एरोमेटिक क्रॉप का एग्जांपल है। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करना चाहूंगा,
जाएगा। अगला, विच फंगीसाइड इज हाईली स्पेसिफिक टूवर्ड द उमाइसिटीज, जो फंगस होती है इसके लिए कौन सी इंसेक्टिसाइड है जो क्या है स्पेसिफिक, हाईली स्पेसिफिक है। इसका राइट आंसर है जो मेटाएक्सिल है वो इसका राइट आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो क्या है, मेटाएक्सिल जो है इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल कंजर्वेशन मीजर इज नॉट एन एग्रोनॉमिकल मीचर। वैसे ये जो क्वेश्चन है ये मैंने खुद ने पढ़ाया हुआ है कि हम इरोजन पढ़ते हैं, इरोजन के जस्ट बाद हम कंजर्वेशन पढ़ते हैं, तो टू टाइप के वहाँ पर प्रैक्टिस जाती है। एक की हम बात करते हैं तो एग्रोनॉमिकल मीजर होता है, एक इंजीनियरिंग मीजर होता है। मतलब कुछ में हम इंजीनियरिंग वाली कंसेप्ट यूज करते हैं, कुछ की जगह हम एग्रोनॉमिकल मीजर्स को यूज करते हैं। तो जनरली अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये पूछ रहा है नॉट वाला, और ऐसे क्वेश्चन में जनरली बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि सब क्या ध्यान देते हैं एग्रोनॉमिकल वाला पूछ रहा है, और जहां पहला ऑप्शन देखा टिक किया और आगे बढ़ गए। तो बेटा मैं आप लोगों को बहुत क्लियर कहना चाहूंगा कि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा रैंक डिसाइड करके जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन जिसने काफी बार मैंने देखा है बच्चों के साथ कि नोट की तरफ ध्यान ही नहीं देते, पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, फर्स्ट पर टिक करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो देखो इसके अंदर हम बात करते हैं, तो जो कंटूर टेरेंज होती है जनरली जो हाईली स्लोपी लैंड होती है वहां यूज करते हैं, और एक इंजीनियरिंग वाली मेथड है। जबकि हम क्रॉप ज्योमेट्री, टिलेज या कंटूर कल्टीवेशन की बात करते हैं, ये सारी की सारी कौन सी है एग्रोनॉमिकल मीजर्स है या एग्रोनॉमिकल मेथड्स है सोइल को कंजर्व करने की, वाटर को कंजर्व करने की। इसके बाद हम बात करते हैं डॉगरीज रूज रूट स्टॉक प्रिटेंड टू, जो रूट स्टॉक है डॉगरीज जनरली वो किसके लिए यूज किया जाता है। तो ये जो रूट स्टॉक है जनरली ये ग्रेप के लिए होता है, किसके लिए होता है, ग्रेप के लिए यूज किया जाता है जो डॉगरी रूट स्टॉक है वो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की, तो क्वालिटी प्रोटीन मेज इज डिफरेंट देन द नॉर्मल मेज बिकॉज इट्स हैज हाई अमाउंट ऑफ, कि जो हम QPM की बात करते हैं, इस QPM इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं इसको पिछले काफी सालों से देख रहा हूं कि हमेशा इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो जो QPM जो होता है जनरली ये स्पेशल क्रॉप क्यों है, ये डिफरेंट क्रॉप क्यों है अदर देन से, तो हम बात करते हैं। तो इसके अंदर जो लाइसिन और जो ट्रिप्टोफेन होता है इनका कंटेंट क्या होता है, ज्यादा होता है। लाइसिन एंड ट्रिप्टोफेन कंटेंट हाई होने की वजह से ये क्या है, ये और जो नॉर्मल मेज होता है उससे डिफरेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जो SMRC मॉडल है कम्युनिकेशन का जनरली ये किसने दिया है, तो SMRC मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हैज गिवन बाय द, ये दिया था डेविड बर्लो ने। किसने दिया, जो बर्लो का मॉडल भी इसको बोलते हैं, जो SMRC है इसको हम बर्लो का मॉडल भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जनरली मैंने ये देखा है या तो लिगन्स का या बर्लो का, इन दोनों का ही मॉडल है जिसको घूम फिर के आता रहता है। और मैं ये भी देख पा रहा हूं कि ज्यादातर बच्चे जो PPG के जो आंसर की मैच कर रहे हैं अपनी, इनका लगभग सबका सही आंसर भी आ रहा है, कुछ बच्चे इसके अंदर 4 भी दे रहे हैं। तो बेटा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि लिगन्स के मॉडल की जब भी हम बात करते हैं तो इसमें एलिमेंट ही 6 होते हैं। इसके अंदर क्या ऑडियंस या रिसीवर की भी बात करते हैं, फीडबैक की भी हम बात करते हैं, जनरली यहां पर कितने हैं, 4 एलिमेंट है। आप लोगों को ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि ये दोनों मॉडल बहुत बार रिपीट होकर एग्जाम में आते हैं। इसमें कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखने की बिल्कुल जरूरत है। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम जैसे ही चलते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या आ जाता है, अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल माइग्रेशन ऑफ स्मॉल मिनरल पार्टिकल फ्रॉम द ए टू बी होराइजन ऑफ सॉइल प्रोड्यूसिंग इन बी होराइजन रिलेटिव इन क्ले इज नॉन एज। जनरली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं ये कहूंगा ये क्वेश्चन भी सॉइल का ही है, बट बहुत डीप क्वेश्चन पूछा गया है। जब हमने सॉइल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उनके अंदर हम ऑलमोस्ट सबको रीड आउट कर लेते हैं, लेकिन अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये वाला इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये बहुत डीप से आया है, ना नॉर्मल प्रोसेस से आया, ये क्या है थोड़ा डीपली से आया। तो अगर इसकी मैं बात करता हूं तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो होगा लेसीवेजेस। काफी जगह है इसका आंसर जो है वो चेंज करके ये भी दिया हुआ है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा इसका जो राइट आंसर रहेगा अकॉर्डिंग टू मेरे बेटा चेंज हो सकता है। देखो एक चीज मैं बता देता हूं आपको, जो आंसर की आ रही है और यूनिवर्सिटी की आंसर की आती है, जनरली 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऊपर नीचे होते रहते हैं क्योंकि ये PPG के लेवल का एग्जाम है। और ऐसा मैं कह के जाऊं कि पूरे 100 के 100 सही है तो मैं कह दूं कोई भी इंस्टीट्यूट आंसर की जारी कर रहा है तो मैं कह देता हूं 100% किसी की भी सही नहीं होगी, 1 या 2 क्वेश्चन हर एक इंस्टीट्यूट की आंसर की में ऊपर नीचे होंगे। तो मैं यहां बताऊं तो ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत डीप आया है, सॉइल का है, और जनरली ये किसी भी बच्चे ने ठीक नहीं किया होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, लेसीवेजेस इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। देन इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो,
विच टाइप ऑफ वेदर फोरकास्टिंग इज यूजफुल फॉर चूजिंग द क्रॉपिंग पैटर्न, कि क्रॉपिंग पैटर्न हमको चूज करना है तो उसके लिए जनरली कौन सी वेदर फोरकास्टिंग जो होती है वो इंपॉर्टेंट रहेगी। तो जनरली हम बात करते हैं तो जो लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है क्रॉपिंग पैटर्न के लिए, क्योंकि क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब क्या होता है कि जनरली हम क्रॉप्स को सिक्वेंस वाइज जो ग्रो करते हैं तो कौन सी के बाद किसको क्या ग्रो करना है। जबकि हम बात करते हैं जैसे नाउ फोरकास्टिंग जो होती है, जैसे मान लो आज आपको पेस्टिसाइड का स्प्रे करना है, जो इंटरकल्चर परफॉर्म करना है, कोई ऐसा ऑपरेशन करना है फील्ड के अंदर क्रॉप के अंदर, आज ही आपको करना है, तो आप क्या देखोगे नाउ फोरकास्टिंग जो होती है कि आज का वेदर कैसा रहेगा। जनरली आपने मान लो हर्बिसाइड का स्प्रे किया और बारिश होगी, सारा कुछ खराब हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि वेदर फोरकास्टिंग के अकॉर्डिंग भी हम क्या करते हैं प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करते हैं। तो क्रॉपिंग जो पैटर्न होता है जनरली वो लॉन्ग रेंज के ऊपर डिपेंड करता है, और अगर हम बात करते हैं नाउ फोर जो कास्टिंग होता है उसकी अगर हम बात करते हैं तो ये नाउ फोरकास्टिंग वाला किसके लिए रहता है कि आपको तुरंत ही कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है फील्ड में, हर्बिसाइड स्प्रे करना, इंसेक्टिसाइड करना, उनके ऊपर इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट बात करते हैं 31 की, एलिमेंट ऑफ लर्निंग सिचुएशंस आर, जनरली अगर हम बात करें तो जो लर्निंग सिचुएशन होते हैं उसके कौन कौन से एलिमेंट है। तो देखो आप लोगों ने इसके लिए इस तरह का एक डायग्राम पढ़ा होगा जिसमें लर्नर भी होता है, जिसके अंदर सारी पांचों के पांचों फैक्टर होते हैं, इसके चारों कॉर्नर पर क्या होते हैं चार एलिमेंट होते हैं, एक सेंटर में होता है। तो पहली चीज तो आपको यही देखनी थी कि सीधी सी बात है इसके अंदर एलिमेंट कितने होंगे, पांच। अरे जिनके अंदर चार चार तीन तीन एलिमेंट दे रखे हैं वो तो ऑप्शन कट ही जाएंगे, उसमें तो आपको कंफ्यूज ही नहीं होना है। जैसे मैं बात करूं तो इसके अंदर दे रखा है टीचर, सब्जेक्ट मैटर, टीचिंग मटेरियल, भैया तीन ही दे रखे हैं, कहां दे रखे हैं पांच, इसका मतलब इस टाइप के जो ऑप्शन है वो तो कट जाएंगे। तो आप लोगों को जैसे जैसे आप इनमें से ढूंढते जाओगे, जैसे इसमें दे रखा है टीचर सब्जेक्ट मैटर या फिर टीचिंग मटेरियल, और इसके बाद में फिजिकल फैसिलिटी, जनरली हम बात करते हैं तो एक दो तीन चार ही दे रखे हैं, आने कितने चाहिए पांच, ये भी कट जाएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर, टीचिंग मैटर, फिजिकल फैसिलिटी और लर्नर, इसमें भी चार दे रखे, ये भी कट जाएगा। इसमें बात करते हैं टीचिंग, इसकी बात करते हैं टीचर दे रखा है, सब्जेक्ट मैटर दे रखा है, टीचिंग मटेरियल दे रखा है, फिजिकल फैसिलिटीज दे रखे हैं, लर्नर, इसमें पूरे पांच दे रखे हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा थ्री। अरे अगर आप लोगों ने ये डायग्राम अच्छे से देखा होगा जिसमें जनरली हम बात करते हैं फिजिकल फैसिलिटीज की, लर्नर सेंटर में होता है, टीचर होता है, सब्जेक्ट मैटर होता है, अगर आपने ये पढ़ा होगा तो इसमें कोई दिक्कत आई नहीं होगी, बहुत इजी क्वेश्चन है और मैं कहूंगा एक्सटेंशन का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये। इसके बाद देखो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की, ए रॉन्ग डिसीजन अबाउट द हाइपोथेसिस लीड टू, कि जनरली अगर हम बात करें तो जो रॉन्ग डिसीजन होता है किसी हाइपोथेसिस का जनरली वो लीड किसको करता है। तो देखो इसका मतलब होता है टू काइंड ऑफ एरर की हम बात करते हैं, टू काइंड ऑफ एरर जो होता है इसका राइट आंसर रहेगा। इस आंसर के अंदर मुश्किल से एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी ऑलमोस्ट आपकी ये क्या है बिल्कुल ठीक से आंसर की है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की, इन विच क्रॉप द डॉक्स मेथड इज अडॉप्ट फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, कि जो डॉक्स मेथड होती है जिससे हम क्या करते हैं हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करते हैं, वो कौन सी क्रॉप के लिए जनरली हम यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा कॉटन। कॉटन के अंदर जब भी हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करते हैं तो किस मेथड का यूज करते हैं, हम मेथड का यूज करते हैं डॉक्स जो मेथड होती है उसका जनरली हम यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है जनरली इसकी बात करते हैं तो। इसके बाद देखो 32 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द न्यूट्रिएंट व्हिच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग। मेरे हिसाब से प्री पीजी का अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को गलत करके आता है तो वो वास्तव में सिलेक्शन का हकदार ही नहीं है। इसका मतलब क्यों, क्योंकि ये इतना बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपको एनपीके का फंक्शन पूछे और अगर आप वो गलत करके आ जाओ और उनमें भी क्वेश्चन ये आए कि जो स्टोमेटा क्लोजिंग एंड ओपनिंग क्या होता है और वो अगर गलत करके आए तो मैं कहता हूं फिर उसको प्री पीजी में सिलेक्शन लेना ही नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि इतना बेसिक क्वेश्चन है, जब आप लोग ट्वेल्थ में थे और आपने जेईटी की तैयारी स्टार्ट की थी तब से ये क्वेश्चन आपको रटाया जा रहा है। तो देखो इसका राइट आंसर क्या रहेगा कि अगर हम बात करते हैं तो स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग का काम कौन करता है, पोटेशियम कंट्रोल करता है इसको, ठीक है। देन इसके बाद देखो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 35, एलिमेंट ऑफ डिफ्यूजन आर, जनरली अगर हम बात करते हैं तो जो डिफ्यूजन के एलिमेंट होते हैं उनकी बात करते हैं। तो डिफ्यूजन के एलिमेंट कौन कौन से हैं, इसमें अवेयरनेस है, इसके अंदर इंटरेस्ट है, इसके अंदर एवोल्यूशन है, इसके अंदर ट्रायल है, इसके अंदर एडॉप्शन है, ये सारे के सारे जो है वो किसके एलिमेंट है, ये किसके एलिमेंट है, ये डिफ्यूजन के है। काफ़ी बार मैं बच्चों से कहता रहता था कि अगर आपको एक्सटेंशन में पढ़ना है तो इसके अंदर डिफ्यूजन, एडॉप्शन और जो कैटेगरीज थी उसकी, जो जनरली हम बात करते फैमिली के टाइप्स थे या
या फिर हम बात करें कम्युनिकेशन के जो मॉडल्स थे, ये चार पांच टॉपिक ऐसे थे जिनको आप अगर ऊपर ऊपर से भी आपने पढ़ लिया तो एक्सटेंशन के सारे क्वेश्चन ईजी हो गए हैं आप लोगों के लिए। आई होप आप सबने इनमें से कोई गलत नहीं किया होगा और ऑलमोस्ट आपकी आंसर क्या है एकदम सही है। इसके बाद हम बात करते हैं 36 की, ईयर कॉकल ऑफ वीट इज कॉज बाई, बहुत ईजी है, आपने ग्रेजुएशन में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पढ़ लिया होगा तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो ईयर कॉकल जो डिजीज होती है वो किससे होती है, नेमेटोड से होती है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, अगला 37 जो 37 नंबर का है, टेक्नोलॉजीज टू मैनेज द स्पेशल एंड टेम्परल वेरिएबिलिटी एसोसिएटेड विद ऑल एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज कॉल्ड, तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो जनरली इसका थर्ड आंसर होता है प्रिसिशन फार्मिंग की डेफिनेशन दे दी है सीकेसी। इसमें क्या दे रखा है, प्रिसिशन फार्मिंग की डेफिनेशन ही एज इट टिका रखी है, तो ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत वाली बात आई नहीं होगी आपकी। क्यों, क्योंकि इसने क्या दे रखा है, डायरेक्टली दे रखा है मैनेजमेंट और स्पेशल एंड टेम्परल जो वेरिएबिलिटी एसोसिएट विद द ऑल एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर है, तो इसका मतलब क्या होता है, प्रिसिशन फार्मिंग होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, प्रिसिशन फार्मिंग। इसके बाद में नेक्स्ट हम चलते हैं अगले पर 38 के ऊपर, तो 38 की हम बात करते हैं तो जनरली यहाँ पर फिर लग रहा है मेरे को थोड़ा सा टेक्निकल एरर है टाइपिंग के अंदर, मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ, आई थिंक टाइपिंग के अंदर फिर एरर है थोड़ा बहुत, पेपर से चेक कर लेता हूँ मैं, ये इसके साथ में है, हाँ ठीक है यही है। एक्वापोरिन्स फैसिलिटीज दैट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्वापोरिन्स आर, तो इसके अगर हम बात करते हैं तो जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, प्रोटीन इसका राइट आंसर रहेगा, इसमें एरर नहीं है, ये वर्ड जो है वो बिल्कुल सही है आपके पेपर में, एज इट यही स्पेलिंग आई है। इसके बाद में हम बात करते हैं 39 की, हाईली सुटेबल क्रॉप फॉर मेकिंग द गुड क्वालिटी साइलेज, ये भी बहुत जेड से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हो कि अगर आपको क्या बनाना है, अगर आपको साइलेज बनाना है और अच्छी क्वालिटी का साइलेज बनाना है तो किससे बनाओगे, मैथ से बनाएंगे। लूशन की अगर हम बात करते हैं, बरसीम की, तो उससे क्या बनता है, हे बनता है, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। देन इसके बाद करते हैं 40 नंबर की, कोरिलेशन कोएफिशिएंट वैल्यू फ्रॉम स्टैटिक्स के जो बेसिक क्वेश्चन, सबसे पहले जब भी हम पीजी की सोचेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, आप लोगों को 7-8 की ये वैल्यूज दिखाई जाती है, तो ये वैल्यूज तो हर बच्चा रट के रख सकता है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, पहला ऑप्शन जो होता है इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद मैं भवानी सर को इन्वाइट करूंगा, सर प्लीज आइए और आगे के जो क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व करवाइए आंसर की। थैंक यू सर, और यहाँ पर अच्छा माहौल बन रहा है सर, लगभग मेरे को लगता नहीं कि जो ज़्यादा हार्ड आया होगा पेपर, हाँ लेकिन ऐसा लेवल आना चाहिए ताकि सभी को फ़ायदा मिले। तो यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की, अभी हमारे जो टाइप हो रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, द बल्क ऑफ द पावर इज कंसनट्रेट इन द क्रिस्टलाइन क्ले मिनरल ऑफ द सोइल कोलोइड्स। तो यहाँ पर देखो डियर, इसमें थोड़ा सा है, इसमें एक तो कैटाइन एक्सचेंज भी बता रहे हैं, लेकिन इसमें बात करते हैं तो इसमें थोड़ा मतलब कैटाइन एक्सचेंज और फ्लूकुलेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर कैटाइन एक्सचेंज की और फ्लूकुलेशन की दोनों है, तो इसमें क्या मानते हैं यूनिवर्सिटी, लेकिन इन दोनों में है थोड़ा सा कि भाई इसमें कैटाइन एक्सचेंज या फ्लूकुलेशन की बात करते हैं, तो दोनों देख लेना इसमें, क्योंकि देखो डिपेंड करता है वो आंसर क्या मानती है, तो इसकी बात करते हैं कैटाइन एक्सचेंज और फ्लूकुलेशन की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको देखो हर एग्जाम में मिलता है क्वेश्चन है, विच ऑफ द राइस डिजीज क्रेसेक फेज देयर, तो कौन से मतलब बताओ इसमें, तो यहाँ पर कौन सा हो गया, बैक्टीरिया लीफ ब्लाइट, हर एग्जाम में मिलता है इसका, और यहाँ पर चार बता रहे हैं, बहुत ही शानदार, देखो आप इसको कर सकते हो, वापस बता रहा हूँ, ये जो टेस्ट सीरीज है जो अपन दिया है एग्जाम, ये कौन सा डी सीरीज है, कौन सी है, डी सीरीज की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है साइनोडोन डेक्टाइलोन इज, ये बहुत बार मैंने बोला आपको, देखो एक तो मैंने कासनी का बोला था भाई, कासनी का नॉर्मली पूछते हैं और पेरेन लिखा रखा था, कौन सा है इसमें, पेरेनियल वीड हो गया, मतलब दूब घास होती है, वो दूब घास कौन सी होती है, यहाँ पर पेरेनियल वीड होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की चलते हैं, अमंग द फॉलोइंग विच मेडिसिनल क्रॉप नेचुरली प्रिवेलेंट इन द एरिड रीजन ऑफ द थार डेजर्ट, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो गया, सिट्रलस, कौन सा हो गया इसमें, कोलोसाइंथिस हो गया, कौन सा आएगा इसमें, थर्ड आएगा। मैंने आपको जब भी पेपर लेता था या मैं सोल्व कराता था एग्जाम में या आपके जब टेस्ट सीरीज में, तो मैं आपको एक बोलता था कि हमेशा ऐसा दो या एक ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आप खुद बोलोगे कि सर वास्तव में कि तीन अगर ऑप्शन आते हैं आपको चौथा आप आराम से दे सकते हो, ऐसा ही हुआ देखिए क्वेश्चन में आया, अगर आपने इस बात को गौर किया होगा तो डेफिनेटली अच्छा किया होगा आपने, द आइडेंटिफाई द न्यूट्रेंट Which is function as a secondary messenger, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, कैल्शियम, कौन सा आएगा इसमें, कैल्शियम होगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सेकेंडरी थोड़ा हटके क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, यहाँ पर कौन सा आएगा, कैल्शियम की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं, आइडेंटिफाई द सेल
ऑर्गेनिक विच इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द फोटो रेस्पायरेशन प्रोसेस, तो यहां पर कौन सा आएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, तो यहां पर कौन सा आएगा इसमें, थर्ड आएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, भी कॉमन क्वेश्चन है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा, अब एक क्वेश्चन 47 मैंने आपको कितनी बार बोला, शायद सभी का होगा, हमेशा बोलता था, मजाक करके बोलता था, कप्पा और मप्पा, किसकी बात करते हैं, कप्पा और मप्पा, क्योंकि पिछली बार रखा था इसमें परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का, इस बार उन्होंने फील्ड कैपेसिटी का पूछ लिया, तो ये तो किसी का गलत नहीं होगा। कौन सा होगा इसमें, 0.012 0.03, क्यों, क्योंकि अगर बात करते बार को, वन बार बराबर कितने मप्पा होते हैं, तो मप्पा यहां पर कितने होंगे, 0.1, मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। तो ये क्वेश्चन भी मैं बार बार बोलता था, एक वाटर वाला बार बार बोलता था कि वाटर जो होता है एक हेक्टोलीटर में कितना क्यूबिक मीटर पानी होता है, ये भी बार बार पूछते हैं, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, सोलवेंट्स ऑफ द बिजनेस कैन बी डिटरमाइन बाय द एवलेटिंग द, तो यहां पर कौन सा आएगा, सेकंड ऑप्शन कौन सा आएगा, सेकंड आएगा डेबिट टू इक्विटी रेशो। बहुत ये भी देखो इकोनॉमिक्स का, देखो सर ने भी बोला, मैंने बोला आपको कि हमेशा इकोनॉमिक्स और एक्सटेंशन और जो स्टेट होती है वास्तव में रैंक के लिए बात करते हैं, तो यही अपनी रैंक बूस्ट करती है। और मैंने आपको बोला कि एग्रोनॉमी और सोइल साइंस को देखा जाए तो लगभग लगभग आप बोल रहा हूं कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन आए, 35 क्वेश्चन तो लगभग आए हैं, अगर दोनों के 35 क्वेश्चन आए, और ये बहुत ही अच्छा सहारा रहता है। मैं भी बोलता था कि बहुत मेजर सब्जेक्ट, इनको ध्यान देना आप। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, विच इज कंसिडर एज ए फादर ऑफ टिलेज, बहुत ही शानदार, इसमें कोई गलत नहीं करेगा। कौन सा आएगा इसमें, जेथ्रो टूल, इसमें तो कोई गलत नहीं करेगा, कोई इसमें कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, तो यहां पर आप कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है सर, आगे क्वेश्चन आगे इसके अंदर है पीपीटी, ठीक है, द कंपोनेंट ऑफ ड्रिप। अब देखो इसको मैं समझा रहा हूं, इतने अपने पीपीटी आ रही बहुत शानदार। देखो सर इसमें हमेशा क्या रहता है, देखो सुनो, हर एग्जाम में मैंने बोला कि चार ऑप्शन में, हर एग्जाम हर क्लास में बोलता हूं पेपर सोल्व करने का तरीका क्या होता है, द कंपोनेंट ऑफ ड्रिप फर्टिगेशन सिस्टम। अब अपने को मालूम है इसमें रेन गेज हो नहीं सकता, रेन गेज होता ही नहीं है, ठीक है, फ्लैट फैन नोजल होता ही नहीं है, अपने को मालूम होता ही नहीं, अलग चीज होती है, वेंचुरी अपने को आता नहीं है, और हैंड स्प्रेयर अपने को मालूम है कि ये हो नहीं सकता, तो बचा कौन सा यहाँ पर, वेंचुर। सिंपल सी बात है, ऐसे क्वेश्चनों को मैंने पहले बोला आपको कि जो क्वेश्चन होते हैं चार ऑप्शन के नहीं, दिमाग करके हर बार एग्जाम बता तुक्के कैसे मारते, मैंने बोला भाई सर हमारे तुक्के, मैंने तुक्के मारने की कोई जरूरत नहीं है, तुक्का मारना उसको बोलते हैं, चार ऑप्शन में दो आ रहे हो, दो नहीं आ रहे तो उसमें रिस्क ले सकते हो। इस प्रकार में कौन सा आएगा, वेंचुर। एक बार सर एक बार कर रहे हैं वापस से क्वेश्चन, आगे टाइप किए हुए हैं तो उसमें कर रहे हैं आपको।
हाँ डियर, बात करते हैं अपन नेक्स्ट नॉन वर्बल 51 जो क्वेश्चन है, और ये मैं बोल रहा हूँ आपको डी सीरीज पेपर की है ना, तो यहां पर बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज, तो यहां पर कौन सा आएगा, द यूज ऑफ गेस्चर एंड पास्चर, कौन सा आएगा इसमें, थर्ड आएगा, जल्दी बता रहे हैं आपको, मुझे मालूम है कि सब देखना कितना है नंबर, क्वेश्चन नंबर 52 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिल्क वर्म डिजीज द ट्रांसमिटेड, तो यहां पर कौन सा आएगा थर्ड, कौन सा आएगा इसमें, पेपरिन आएगा, ठीक है, थोड़ा जल्दी चलते हैं, आपको भी जल्दी है थोड़ा, देखो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा लेवल का है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जिंक कोटेड यूरिया शुड बी कंटेंट मिनिमम परसेंट ऑफ जिंक, तो कौन सा आएगा इसमें 2% आएगा, देखो यहां पर है, अगर आपने लगता है कि किया है तो बहुत इसमें 2% आएगा, कितना आएगा इसमें 2% आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द होस्ट प्लांट ऑफ कसुमी स्टेन ऑफ लेक, तो यहां पर कौन सा आएगा फर्स्ट, इसमें कौन सा है, इस्क्लियोसेरा ओलिसिया, ठीक है, तो यहां पर कौन सा आएगा इसमें फर्स्ट आएगा, ठीक है, ओलियोसेरा होगी इसमें, ओलियोसा, ये अपने कुलदीप जी जो एंटोमोलॉजी के सर है, और जो आप आज नहीं है ना तो आपसे वो भी रूबरू होते, लेकिन कुछ है उन कारण से घर पे गए हुए, लेकिन देखो शानदार क्वेश्चन है ये भी एंटोमोलॉजी का। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, इफ जीन्स आर सेग्रीगेटिंग फॉलोइंग मेंडल्स लॉ ऑफ द इंडिपेंडेंट असोर्बेंट, हाउ डिफरेंट टाइप ऑफ जेनोटाइप विल बी ऑब्जर्व इन द एफ टू जनरेशन, तो यहां पर कौन सा आएगा थर्ड, 27 आएगा, कौन सा आएगा इसमें 27 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, बहुत इजी क्वेश्चन है, वाज लॉन्च्ड, तो कब किया गया था इसमें, अक्टूबर 2, 52 के अंतर्गत किया, लेकिन ऑप्शन में 52 दो थे इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना था, कौन सा था ये अक्टूबर में, किसमें था ये अक्टूबर में की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, डेल्टा मेथ्रीन बिलोंग टू द विच केमिकल ग्रुप, तो यहां पर कौन सा आएगा फर्स्ट आएगा, सिंथेटिक पायरेथ्रोइड, कौन सा आएगा सिंथेटिक पायरेथ्रोइड, यहां फर्स्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ डिस्पर्शन, तो यहां पर कौन सा नहीं, सिंपल सी बात है, कौन सा इसमें मीडियन आएगा। देखो मीडियन की बात करते हैं, तो मैंने आपको पहले बोला था कि ये चीजें होती है बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन है, इसमें देखो आराम से मीन क्वार्टर और स्टैंडर्ड डेविएशन, तो किसका हो जाएगा डिस्पर्शन का हो जाएगा, ठीक है। विच सेगमेंट इज मेल ग्रास ऊपर फॉर्म द जेनिटाइल, तो यहां पर कौन सा आएगा इसमें नाइन्थ एब्डोमल सेगमेंट, कौन सा आएगा इसमें सेकेंड आएगा, ठीक है। तो ये अपन हो गए 59 की बात करते हैं, अब 60 की बात करते हैं, विच ग्लैंड इज हनी बी प्रोड्यूस रॉयल जेली, तो यहां पर कौन सा आएगा सेकेंड आएगा, लेटरल लेटरल हो गया, फ्रेंजली ग्लैंड हो गया, तो सेकंड आएगा इसमें, कौन सा आएगा सेकंड। नेक्स्ट बोलना चाहूंगा मैं सुंडा सर को, मैं थोड़ा जल्दी करवा रहा हूं ताकि आपको जल्दी से मैच कर सको, और अब सुंडा सर आया आपके नेक्स्ट उसमें 30 क्वेश्चन तक, फिर बाद में आपको मैं ही चलता रहूंगा, लास्ट में एग्रोनॉमी क्वेश्चन है डिस्कशन करेंगे, तब तक ये सुंडा सर आ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम कैरी करते हैं बेटा, 60 तक हो गए हम, 61 की बात करते हैं, देखो 61 की हम बात करते हैं, 61 है डिफ्यूजन एंड इनोवेशन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था अगर आपको एक्सटेंशन में ज्यादा मार्क्स गेन करने हैं तो जिनको अभी आगे के लिए प्रिपरेशन करनी है, बीएचयू के लिए ध्यान दे रहे हैं, मैं उनके लिए फिर से कह देता हूं, आप लोग इस पे बहुत अच्छे से कमांड कीजिए। अगर हम बात करें तो डिफ्यूजन इनोवेशन, या अगर हम बात करते हैं तो जो मॉडल्स है, अगर इनके ऊपर आपने कमांड नहीं किए तो मैं कहूंगा आप अभी भी कर लेना, अभी भी कुछ नहीं गया है, ठीक है। तो नाम बात 61 की, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी हैज बीन गिवन बाय, जो अपनी डिफ्यूजन की जो इनोवेशन थ्योरी है वो जनरली किसने दी है, तो ये दी है ईएम रोजर जो थे, इन्होंने दी है थ्योरी। देन इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 62 की, द सैलाइन सॉइल हैव एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ, ये क्वेश्चन तो एक टेबल बनाई थी मैंने आपको, आपको बताओ द सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, आई थिंक कोई बच्चा ऐसा नहीं है पीजी का जो इस क्वेश्चन को गलत करेगा, क्योंकि सीधी सी बात है ये पूछना क्या चाह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सैलाइन सॉइल के अंदर सॉल्ट कंटेंट हाई होता है, जहां पर सॉल्ट का कंटेंट हाई होता है इन द सेंस उसको मीजर किससे करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से, और आपको पता हो तो जहां ज्यादा सॉल्ट होगा वहां पर 4 डेसी साइमन पर मीटर से मोर देन होगी इसी, लेकिन यहां पर यूनिट चेंज कर दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डेसी साइमन की जगह इसने कर दिया मिली मोहस पर सेंटीमीटर, तो कंफ्यूज होने की दिक्कत ही नहीं है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, 1 इसका राइट आंसर रहेगा, इसमें कोई इश्यू नहीं है आप लोगों को। इसके बाद हम बात करते हैं 63 की, क्वेश्चन नंबर किसकी 63 की,
among the different multi-species cropping system, which system sustain most in arid region? अगर हम बात करते हैं तो arid region का यहाँ पर पूछ रहा है आपको कि कौन सा system जो है वो ज़्यादा sustain करेगा या most important है, तो देखो इधर ध्यान दो, अगर हम यहाँ generally discuss करते हैं तो arid region की बात करते हैं, crop अगर आप एक बार fruit crop को देखिए आप लोगों को अपने आप वहाँ से पता चल जाएगा कि कौन सा ठीक रहेगा। तो देखो generally जैसे ही हम यहाँ option को discuss करते हैं, यहाँ क्या दे रखा है, अलग ही दे रखा है pineapple, तो generally अगर आपको पूछ रहा है कौन से का एरिड क्लाइमेट का पूछ रहा है और एरिड की हम बात करते हैं तो देखो राइट आंसर होगा थर्ड, बेयर केयर और जो फॉग होता है ये वाला जो होता है किसके लिए पूछ रहा है, मल्टी जो स्पीशीज क्रॉपिंग सिस्टम होता है उसके लिए पूछ रहा है। राइट आंसर क्या रहेगा इसका, थर्ड रहेगा कि बेयर केयर जो फॉग होता है ये सबसे बेस्ट सस्टेन करने वाला सिस्टम होता है। इसके बाद करते हैं 64 की कि जीरो स्टेज ऑफ रस्ट फंगी इज कॉमनली नॉन एज, कि जो फंगस होती है अगर उसमें भी बात करते हैं तो उसकी जीरो स्टेज कौन सी होती है, तो देखो इसकी जीरो स्टेज कौन सी होती है, पाइकनोइज स्पोर होता है जनरली वो इसकी क्या होती है, जीरो स्टेज होती है। इसके बाद हम बात करते हैं बाकी इनमें से भी क्वेश्चन आता है, आप लोगों को ध्यान रखना इनमें से क्वेश्चन आ जाता है, रिपीटेटिंग जो स्टेज होती है वो कौन सी होती है, इसके अलावा आ जाता है कि रेस्टिंग स्टेज कौन सी होती है, तो आप ये मत सोच लेना कि जीरो स्टेज पूछ लिया तो यही क्वेश्चन खत्म हो गया है, जनरली इस रस्ट के और भी क्वेश्चन आ जाता है, रिपीटेटिंग अगेन 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 कौन सी होती है। इसके अलावा आ जाता है कि जैसे मान लो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि रेस्टिंग स्टेज कौन सी होती है, तो आपको इनमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है नेक्स्ट एग्जाम के लिए, मैं बता देता हूं अभी आपको। इसके बाद बात करते हैं 65 की, क्वेश्चन नंबर 65, आइडेंटिफाई द बेनिफिशियल न्यूट्रेंट अमंग द फॉलोइंग न्यूट्रेंट। देखो सबसे पहले देखो पूछ क्या रहा है, बेनिफिशियल न्यूट्रेंट पूछ रहा है, अरे सबसे पहले हम बात करते हैं तो जो 17 एलिमेंट है वो बेनिफिशियल थोड़ी है, वो तो असेंशियल है, इन द सेंस जैसे ही आपको 17 में से जो दिख जाता है उसको तो काट दो, कैल्शियम सर ये तो प्राइमरी, और अगर हम बात करें तो जो मैक्रो न्यूट्रेंट्स होते हैं उन्हीं के अंदर आ जाता है, ये तो एक जो मैक्रो न्यूट्रेंट्स के अंदर सेकेंडरी न्यूट्रेंट होता है, सोडियम कोई दिक्कत नहीं किसी को याद नहीं है तो एक बार भूल जाओ, इसके अलावा मैग्नीशियम सर ये भी में आ जाता है सेकेंडरी में आ जाता है, सल्फर सर ये तीनों ही हो गए, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर ये तो किसी भी बच्चे ने गलत नहीं किया होगा, सोडियम तो होता है बेनिफिशियल शुगर बीट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। देन इसके बाद बात करते हैं हम 66 की, किसकी बात करते हैं 66 की, ड्यूरिंग द मिल्किंग प्रोसेस नेम द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क डाउन, मतलब जब हम दूध निकालते हैं तो उसके टाइम पर दूध उतरने के लिए जिसको बोलते हैं मिल्क लेट डाउन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, तो जनरली इसके लिए कौन सा होता है, जो ऑक्सीटोसिन होता है वो क्या होता है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये तो जब भी आप जाओगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन, और आई होप कि इसमें से आपने कोई गलत भी नहीं किया होगा, सबने ये सारे के सारे सीख किए होंगे। इसके बाद आता है 67, ए हर्बिसाइड बिलोंग टू एमाइड ग्रुप, याद रखना अगर ये क्वेश्चन आपने गलत किया है तो आगे के लिए ध्यान रखना, एग्रोनॉमी के अंदर हर्बिसाइड के जो भी क्लासिफिकेशन है उसके अंदर आपको बहुत अच्छे से रट लेना है कि किसके अंदर कौन सा ग्रुप आता है, क्योंकि इस टाइप का जो क्वेश्चन है बेटा मैं आप लोगों को बता देता हूं, जब से जेड से लेकर आप कितना भी लेवल पे चले जाइए, आप प्री पीजी पीएचडी बीएचयू आईसीआर कहीं भी चले जाइएगा, ये क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, इसीलिए आपको क्या करना है हर्बिसाइड का जो क्लासिफिकेशन है उसको रट लेना है कौन से ग्रुप के अंदर कौन सा आता है। जनरली अगर हम बात करते हैं तो एमाइड जो होता है एमाइड के अंदर कौन सा आता है, ब्यूटाक्लोर आता है, कौन सा आता है ब्यूटाक्लोर। मेरा तो इच्छा तो यह है कि यहां पर सारे के सारे ऑप्शन का भी ऑपरेशन किया जाए, लेकिन आई नो कि आपका ये टाइम बहुत वैल्यूएबल है और कम टाइम में आपको ये आंसर की प्रोवाइड करवाने का हमारा जो मकसद है इसके लिए हम थोड़ा सा स्पीड से चल रहे हैं। बाकी हमारा मन तो क्या कर रहा है कि जो एटलीस्ट सॉइल और एग्रो के क्वेश्चन है उनका तो क्या किया जाए, यहां ऑपरेशन किया जाए, क्योंकि जो दूसरे सब्जेक्ट के हैं उनको तो फिर हालांकि थोड़ा शॉर्ट में ही आपको एक्सप्लेन करना होगा, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं आपको अपना बेस्ट देने की। क्वेश्चन नंबर 68 की, द जेनेटिक्स आर्किटेक्चर ऑफ ए क्लोन वेराइटी, ये पूछना क्या चाह रहा है कि कौन सी जेनेटिक है जो एक आर्किटेक्चर है किसका, क्लोन वेराइटी का। जनरली अगर हम इसकी बात करते हैं तो ध्यान रखना हेट्रोजाइगस एंड होमोजीनियस जो होता है इसका राइट आंसर होगा, ये आपके जेनेटिक्स से और ब्रीडिंग का क्वेश्चन है। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन आ जाता है 69, इन क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन रेशनल जोन, देखो याद रखना आप लोगों ने प्रोडक्शन फंक्शन का एक जोन पढ़ा होगा जिसकी हम बात करते हैं, इस तरह से आपने ग्राफ पढ़ा होगा, उसमें हमने तीन जोन पढ़े थे, रेशनल इरेशनल इस टाइप से आपने पढ़े होंगे, जिनको हमने कहा था फर्स्ट जोन सेकंड जोन, इस तरह से थर्ड जोन आप लोगों ने जोन पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो वहां से क्वेश्चन आया है, वहां से क्वेश्चन क्या है कि कौन सा रेशनल जोन किसको कहेंगे हम, तो जब हम इसकी बात करते हैं तो किसको बोलते हैं, यहां से स्टार्ट होकर जो सेकंड जोन होता है इसी को तो क्या कहा जाता है, सेकंड जोन को हम कहते हैं रेशनल जोन। प्रोडक्शन फंक्शन इकोनॉमिक्स का एक
क्वेश्चन फिक्स है, इस प्रोडक्शन फंक्शन से आएगा ही आएगा, कुछ भी हो जाए, पीजी का हो या किसी भी लेवल का एग्जाम हो, एक क्वेश्चन रामबाण है, याद रखना, हमेशा आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, इसका आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। इन राजस्थान अंडर द कैनाल इरीगेशन सोर्स द मेजर एरिया इरीगेटेड थ्रू विच प्रोजेक्ट। जनरली ये पूछना चाह रहा है कि राजस्थान के अंदर कौन सा जो कैनाल सिस्टम है वो ज्यादातर एरिया को कवर करता है, मेजर एरिया को कवर करता है। तो जनरली हम जब भी इसकी बात करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, चंबल प्रोजेक्ट। देखो इसके अंदर हम बात करते हैं तो जनरली नाम सबसे ज्यादा किसका सुनते हैं, या तो आप गंगा वाले का नाम सुनते हो, लेकिन अगर हम बात करें एरिया की कि कौन से प्रोजेक्ट से ज्यादा एरिया कवर किया जा रहा है, तो ज्यादा एरिया कौन कवर करता है, जो चंबल प्रोजेक्ट है इरीगेशन का, यह ज्यादा एरिया कवर करता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आ जाता है 71। हॉल्स इन कोकोनट ट्री ट्रंक, कि जो कोकोनट का जो स्टेम होता है, तना होता है, जनरली उसके अंदर जो हॉल्स बन जाते हैं उनकी बात कर रहे हैं, जिनकी बात करते हैं तो प्रोटोडिंग चाउड फाइबर्स मटेरियल एंड ब्राउनिश ऊज इज ए कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ प्रोड्यूसिंग बाय विच पेस्ट। कौन सा पेस्ट लगता है तब कैसा ब्राउनिश ऊज जो होता है वो सेक्रेट होता है, ये कौन से इंसेक्ट का अगर हम बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक है, तो याद रखना आपको इसका राइट आंसर होता है रेड पाम विविल जो होता है, इसका राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट बच्चे इसका एक जवाब दे रहे हैं। जब आपका ये एक जवाब आंसर से पहले मिलता है तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि एक चीज याद रखना, जो टीचर पढ़ा रहा है आपको, आपके सिलेक्शन के टाइम पर उसको जितनी खुशी होती है उतनी खुशी तो शायद उसको सैलरी मिलते टाइम भी नहीं होती है, क्योंकि जब बच्चे मिलते हैं और स्पेशली कॉलेज के टाइम पर मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है कि वाह ठीक है हमसे पढ़ा और हमारे पास ही आ गया, तो स्वागत है आप सभी का बेटा। इसके बाद हम बात करते हैं 72 की। ये क्वेश्चन जो है सॉइल साइंस के अंदर मैंने आप लोगों को कवर करवाया है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, थोड़ा सा सोचना था। ज्यादातर इस पेपर में मैं कहूंगा इजी था पेपर, लेकिन लैंग्वेज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है आखिरकार समझ ही नहीं आ रहा है। तो उसमें अगर जिस बच्चे ने थोड़ा सा धीरज से काम लिया है उसका काम बैठ गया, और जिसने जल्दबाजी में उसको सॉल्व किया है उसका काम बिगड़ गया। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, थोड़ा पेशेंस से चीजों को हैंडल करना है। ये क्या कह रहा है कि मोस्ट सॉइल विच आर रिलेटिवली डार्कर हैव लोअर खालिस्तान देन ड्राई सॉइल। सिंपल है, एक तरफ आपको मॉइस्ट सॉइल दे रहा है, एक तरफ आपको ड्राई सॉइल दे रहा है, और ये कहना चाह रहा है कि जो मॉइस्ट सॉइल है वो रिलेटिवली डार्क कलर होता है, मॉइस्चर की वजह से कलर जो होता है जनरली थोड़ा डार्क हो जाता है, दूसरी तरफ ड्राई सोइल है। तो ये कहना चाह रहा है कि हायर किसका रहेगा, आपको पता है एल्बिडो रहता है, एल्बिडो ब्लैक बॉडी का एल्बिडो कितना होता है, जीरो होता है, जबकि हम बात करते हैं व्हाइट बॉडी का कितना होता है, ऑलमोस्ट 100 के आसपास रहेगा। जैसे हम बात करें जो स्नोफॉल होता है उसका कितना होता है, ऑलमोस्ट 95 तक चला जाता है। तो जनरली हम बात कर रहे हैं, ये कह रहा है ड्राई का किससे, मॉइस्ट सॉइल से मोर देन होता है, तो यहाँ किसकी बात कर रहा है, एल्बिडो की बात कर रहा है, कि जो एल्बिडो होता है वो किसका ज्यादा रहेगा, ब्लैक बॉडी का लो रहेगा और व्हाइट बॉडी का क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, 73 की बात करते हैं, क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरीगेशन फॉर व्हीट क्रॉप। इसका जो आंसर नहीं दे रहा है, एग्रोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट आया, इसका पेपर इतना प्यारा आया है ना कि बच्चों ने आंखें बंद करके इसके आंसर किए हैं, ठीक है। जैसे मेरे को काफी बच्चों ने कॉल करके कहा था कि सर ये वाला क्वेश्चन आपने एल्बिडो पढ़ाया लेकिन एल्बिडो में ये क्वेश्चन नहीं आया। अरे तो बेटा आपको ये थोड़ी है कि ये प्रीपीजी का पेपर है, अगर जेट वालों में तो एजिट आपको ऑप्शन तक मिल जाते हैं, लेकिन प्रीपीजी का पेपर दे रहे हो तो इसका मतलब है आप खुद भी ग्रेजुएशन के बाद ऑलमोस्ट हमारे इक्वल्स टू आ जाते हो, आपको एजिट पेपर नहीं मिलेगा, आपको लैंग्वेज घुमा फिरा के दी जाएगी, तो आपको उसको थोड़ा समझना है, ठीक है। तो देखो इधर ध्यान दो, वीट के लिए कौन सी होती है, अरे ये तो आप लोगों ने जेट की तैयारी की तभी पढ़ लिया होगा कि इसके लिए कौन सी होती है, क्राउन रूट इनिशिएशन होती है, क्राउन रूट इनिशिएशन सीआरआई जो स्टेज होती है वो क्या होती है, क्रिटिकल स्टेज होती है इरिगेशन के लिए। इसके अलावा हम बात करें 74 की, द वर्ड एग्रोनॉमी। वैसे बता देता हूँ ये क्वेश्चन लास्ट टाइम जेईटी के अंदर आया था, जेईटी 2021 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब सोच लो तुम, एग्रोनॉमी का इससे ज़्यादा इजी कुछ नहीं हो सकता, एग्रोनॉमी कौन सी लैंग्वेज का है, अरे बेटा कोई बात नहीं, नॉमी जिसके पीछे आ गया कौन सी का है, सारे के सारे ग्रीक के हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थर्ड ऑप्शन राइट होगा, ग्रीक वर्ड होगा, जिसके पीछे कल्चर आ जाता है वो कौन सी का हो जाता है, जनरली वो किसका हो जाता है, लैटिन का हो जाता है, ठीक है। तो आई थिंक इन सारे क्वेश्चनों में आप लोगों ने स्कोर किया होगा, जिस बच्चे ने इनमें गलती की ना ये मान के चलना वो उसने अपने सिलेक्शन से दूरी बनाई है, इनमें जिसने मिस्टेक की उसने अपने सिलेक्शन से क्या बनाई है, दूरी बनाई है, ये दावे के साथ कह देता हूं, क्योंकि इस पेपर में जो टफ आया है ना
वो तो किसी के हवाई नहीं लगी, वो तो सबकी, उसने क्या किया है सबको ही परेशान किया है, और जो इजी आया है वो उसने गलत कर दिया वो पीछे, और इजी वाले क्वेश्चन जिसने अटेम्प्ट करके राइट किए वो आगे निकल जाएगा इस पेपर के अंदर। इसके बाद बात करते हैं 75 की, मोस्ट सुटेबल टाइम फॉर नर्सरी राइजिंग ऑफ खरीफ क्रॉप। अगर ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं अगर आपने कहीं नहीं भी पढ़े हैं और आपने थोड़ा सा भी अनुमान लगाने की कोशिश की है ना, तो मैं कहूँगा आपके ऑलमोस्ट सही हो जाएंगे। अरे खरीफ क्रॉप्स को कब ग्रो करते हैं, अगर जनरली हम बात करते हैं तो जून के आसपास ही ग्रो करते हैं जनरली से हम बात करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि जनरली आप दिसंबर में नर्सरी, 6 महीने पहले थोड़ी नर्सरी ग्रो करोगे, जनरली 2 महीने पहले यही टाइमिंग रहता है। और जब हम ऑप्शन की बात करते हैं सितंबर अक्टूबर नहीं हो सकता, क्योंकि क्या आप 8 महीने पहले नर्सरी थोड़ी ग्रो करोगे, जनरली मई जून और मार्च अप्रैल ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। जून में आपको मान लो क्रॉप की सोविंग करनी है तो क्या फिर आप 1-15 दिन में थोड़ी नर्सरी तैयार हो जाएगी, तो ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने अगर इस तरह ऑप्शन काटने की कोशिश की होगी ना तो फटाफट आप लोगों के राइट आंसर भी निकल के आ गए होंगे, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, किसके लिए ध्यान रखना है आपको, आपको ध्यान रखना है क्रीप ऑनियन के लिए नर्सरी राइजिंग का टाइम होता है मार्च टू अप्रैल, क्या रहता है मार्च टू अप्रैल, वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो क्वेश्चन नंबर 76 की बात, द एसेंशियलिटी फॉर एफी इन प्लांट्स इज डिस्कवर्ड बाई, देखो वैसे आप लोगों ने अच्छे से सारे के सारे एलिमेंट किसने डिस्कवर किए हैं ये चीज़ आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद रख रखा होगा, लेकिन फिर भी आप लोग जनरली ये इसके लिए छोटा सा ट्रिक दे देता हूँ, जनरली आयरन के जितने भी हम व्हीकल्स वगैरह यूज़ करते हैं तो देखो इसका नाम जो है साइंटिस्ट का वो ग्रीस टाइप का ही है, और जनरली हम यूज भी ग्रीस करते हैं, तो इस तरह से आप इसको इन फ्यूचर के लिए याद रख सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, आयरन की जो एसेंशियलिटी है वो किसने डिस्कवर की, ग्रीस ने की थी 1843 के अंदर डिस्कवर किया। इस टाइप के क्वेश्चन, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 77 की बात करते हैं, फ्लोर गिव द कंसेप्ट ऑफ जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस वाइल वर्किंग ऑन, इन्होंने किसके ऊपर काम किया था, जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस देने के लिए फ्लोर ने किस पे काम किया था, जनरली इन्होंने लिनसीड पे काम किया था, किस पे काम किया था, लिनसीड के ऊपर काम किया था। जैसे पी के ऊपर किसने काम किया था, पी के ऊपर किसने काम किया था, तो पी के ऊपर जनरली हमने मेंडल साहब ने किया था। इस तरह की चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, बहुत इजी इजी चीजें हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सिमिट जो होता है मेक्सिको वाला, मेंटेन द जर्मप्लाज्म, सिमिट जो है वो किसका जर्मप्लाज्म मेंटेन करता है, और अगर आपको इसकी फुल फॉर्म भी आती होगी तो इसके नाम में ही वीट एंड मेज आ जाता है, इसका मतलब ये वीट एंड मेज के लिए है। तो पहली बात तो हम बात करें, यहां पर मेज भी है और वीट भी है, दो अगर ऑप्शन मिल रहे हैं तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, ऑल ऑफ देम। अगर किसी को ट्रिटिकल याद भी नहीं है या कहीं पढ़ा हुआ भी नहीं है तो भी कंफ्यूज नहीं होना है। जो सिमिट होता है ये जनरली किस पे रिसर्च करता है, या तो मेज पे करता है या वीट पे करता है, इन दोनों के लिए करता है, और इन दोनों का जर्मप्लाज्म मेंटेन करता है, तो अपने आप क्या चला जाएगा, ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखो 79 की बात करते हैं, इन विच पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर रेनी क्लाउड्स आर फॉर्म्ड, बहुत इजी है। अभी कल परसों ही एक बच्चा पूछ रहा था सर मेट्रोलॉजी में क्या ध्यान देना है, और मैंने उसको आइडिया भी दिया था कि जितने भी स्फीयर है इनमें से एक क्वेश्चन पक्का है और यहां पर आपको मिल भी जाएगा। तो जनरली 4 स्फीयर में सबसे लोवेस्ट वाला जो होता है जिसकी हम बात करते हैं, तो आपको कोई दिक्कत वाली नाम बात नहीं आएगी इसमें। ट्रोपोस्फीयर जो होता है इसमें सारे के सारे क्लाउड्स जनरली कहां रहते हैं, ट्रोपोस्फीयर के अंदर रहते हैं। इसका मैंने आप लोगों को पढ़ाते टाइम भी आइडिया दिया था कि इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो जनरली एग्रोनॉमी में आप देखना मेट्रोलॉजी से कितने क्वेश्चन आ गए हैं, मेट्रोलॉजी जो सब्जेक्ट है उससे क्वेश्चन आया और बहुत ईजी है। फॉरकास्टिंग का क्वेश्चन आ गया, अपने जो स्फीयर एटमॉस्फेयर के जो लेयर्स होती है उसमें से क्वेश्चन आ गया, तो इससे ज़्यादा ईजी पेपर नहीं हो सकता। अगर हम बात करें एंटोपैथो उनकी ब्रीडिंग की, तो वहाँ पर भी जो क्वेश्चन आए वो भी उतने, हालांकि टफ है ये नहीं कहता, क्योंकि जनरली हमें तो लगता है इजी, लेकिन आई नो कि जब हम उस लेवल पे थे आपके ऊपर तो वहाँ हर चीज़ थोड़ी बहुत डिफिकल्ट लगती थी, लेकिन अब जाके वो इजी लगना स्टार्ट हो गई है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि उतना टफ नहीं था जितना हम मान के चल रहे हैं। तो बच्चों आप एक चीज़ मान के चलना है कि आपकी कट ऑफ भी थोड़ी मीडियम टाइप की जाएगी, आप कहीं सोचो 30 क्वेश्चन चली जाएगी, इतनी कम नहीं जाने वाली है, क्योंकि अगला एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस जो है वो ऑलमोस्ट आपके 36-37 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, जिसमें से 3-4 क्वेश्चन थोड़े से टफ है, बाकी सारे ईजी है। तो फर्स्ट केवीके, अरे केवीके का जो क्वेश्चन है वो भी आपने अगर याद नहीं कर रखा तो उसके बाद तो इसका मतलब है सिलेक्शन को भूल जाइए, क्योंकि इतने बेसिक क्वेश्चन भी अगर हमने नहीं याद रख रखे हैं तो ये हमारा फॉल्ट है, क्लियर है। तो देखो द फर्स्ट केवीके या कृषि विज्ञान केंद्रवाज एस्टैब्लिश इन द ईयर, कौन से ईयर में हुआ था, 1974 के अंदर पहला केवीके एस्टैब्लिश हुआ था। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 81 के ऊपर, इसके लिए मैं सर को बुलाऊंगा कि भवानी सर हमारे एक्सपर्ट एग्रोनॉमी के सीनियर मोस्ट आदमी, सर आइए प्लीज कंप्लीट कीजिए। थोड़ा चलते हैं,
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81। इसमें 81 सर करवा दिया इसको आपने। द सिवियरिटी ऑफ द कर्व रूट ऑफ द क्रूसीफेरी कैन बी रिड्यूस बाय द एप्लीकेशन ऑफ, तो यहाँ पर कौन सा आएगा लाइम। बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है, करवा दिया होगा। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, सर ने बोला एग्रोनॉमी और सोयल साइंस के बहुत ही अच्छा रेशो रहा, लेकिन मैंने आपको जब पढ़ा था ये बोलता था कि देखो डियर ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आता है, क्योंकि आपने बोला कि सर ने बोला कि सर आपने एल्बेडो वाला मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि भाई एल्बेडो क्या होती है, कैसे होता है, और मैंने आपको इस चीज़ के बारे में बताया, सर ने पूरा लिखवाया, इसमें कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, द कंप्रेशन रेशियो ऑफ द डीजल इंजन आर इन द ऑर्डर ऑफ, तो यहाँ पर कौन सा आएगा 42:20:1, तो कौन सा आएगा इसमें थर्ड आएगा यहाँ पर, ठीक है। अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल टेक्सचर क्लासेस, ठीक है, इज हैविंग हाईएस्ट सैंड कंटेंट, ध्यान रखना, जिसके लास्ट में सर ने बताया जिसके लास्ट में जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, तो यहाँ पर कौन सा होगा लोमी सैंड, कौन सा होगा लोमी सैंड, मतलब जिसके लास्ट में ज्यादा होता है वो मैक्सिमम हिमसा क्या होता है ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तो यहाँ पर कौन सा होगा थर्ड होगा, लैंड टू लैंड प्रोग्राम की बात करते हैं। बहुत ही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ इस पर पीपीजी का वास्तव में लेवल का है, पढ़ने वालों को वास्तव में बेनिफिट मिलेगा इस चीज का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज कॉमनली प्रैक्टिस, तो यहां पर कौन सा होगा अरुणाचल प्रदेश, एपी में करते हैं, किसमें करते हैं अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं, सुटेबल स्टोरेज टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी रेस्पेक्टली फॉर ऑनियन क्रॉप, तो यहां पर कौन सा आएगा फर्स्ट आएगा, 0 से 2 डिग्री सेल्सियस एंड 65 to 70 डिग्री जो परसेंट इसका क्या होगा मॉइस्चर रहेगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, जेनेटिक प्योरिटी ऑफ प्योर लाइन वेर लाइन कैन बी मेंटेन्ड बाय, तो यहां पर कौन सा होगा मास सिलेक्शन, किसके द्वारा होगा मास सिलेक्शन, काफी ज्यादा यहां पर डी हाँ ये बता रहे हैं, बी भी बता रहे हैं, बहुत ही अच्छा, इसमें तीन ही बता रहे हैं, लेकिन हाँ डियर इसमें आपने पीछे वाला क्वेश्चन का बता दिया। अब ये क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं, फ्रेसलर फॉर्मूला आर डायमीटर इंक्रीमेंट इज, ठीक है, इंक्रीमेंट इज की बात करते हैं, तो यहां पर कौन सा आएगा फर्स्ट आएगा, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो इसमें, तो यहां पर 200 d - d हो गया, p बराबर और इसमें आएगा, ठीक है, तो इसमें कौन सा आएगा मैं आपका एक बार पेपर में देखता हूं, उसमें थोड़ा सा हो गया इसमें सर पेपर देना एक बार, कौन सा 88 हाँ, तो इसमें p बराबर मैं आपको बता देता हूं, p बराबर 200 यहां लिख देता हूं मैं, ताकि थोड़ा आपकी अलग सीरीज होगी, तो यहां पर p बराबर कितना हो गया 200 d - d बटा यहां पर n d + d, ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आएगा, तो यहां पर किसकी बात करते हैं, ये जो पेपर है वो डी सीरीज का है, किसका है डी सीरीज की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, तो सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कहां पर आएगा इसमें सेकंड आएगा अविकाल, ठीक है, अविकाल नगर हो गया इसमें, सबसे शानदार क्वेश्चन है, यहां पर ज्यादा ब्रीडिंग उसकी बात करते हैं अपने एनिमल की, तो ज्यादा हार्ड एंड फास्ट पूछा नहीं इन्होंने, द मेन कंबस्टिबल कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, ये तो आपको मैंने भी लिखा है, तो बायोगैस में जो मेन कंपोनेंट क्या होता है, तो यहां पर देखो सबको पहले तो अपने को ये समझना मीथेन था, अब देखो मीथेन कहां पे आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, मीथेन इसमें भी नहीं आ रहा है, और मीथेन इसमें भी नहीं आ रहा, तो कौन सा आएगा इसमें फोर्थ आएगा, कौन सा आएगा फोर्थ। एक क्वेश्चन जो इसमें बात करते हैं सर, यहां पर देखो, इज द रिलेटिव लैंड एरिया सोल क्रॉप दैट रिक्वायर्ड प्रोड्यूस द यील्ड अचीव्ड इन इंटरक्रॉपिंग, अगर आपको यहां पर कोई भी सब यहां पर लैंड में क्या दे रखा है इंटरक्रॉप और सोल क्रॉप दे रखी है, लेकिन अगर ये टर्म नहीं देता तो आप कर सकते थे सर इसमें क्रॉपिंग इंटेंसिटी करेंगे अपन बोल सकते थे ऐसा, लेकिन यहां पर कौन सा आएगा लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, कौन सा आएगा लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, में आपने पढ़ा होगा कि वहां पर क्या होता है इंटरक्रॉप की यील्ड होगी बटा सोल क्रॉप की यील्ड होगी, यहां पर डिवाइड करते हैं इसको तो क्या आ जाता है लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, और इसका मैंने आपको क्या करवाया था न्यूमेरिकल भी कराया था। नेक्स्ट के लिए यार सुनना सर है सोयल साइंस के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो अपन बाद में डिस्कशन करते हैं कि क्या लेवल रहेगा, तो सुनना सर हाँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहूँगा, मैं चाहूँगा फटाफट हम चीज़ों को आगे डिस्कस करें, तो इससे पहले कि मैं आपका ज़्यादा टाइम लूँ, ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया है और आप इतने बच्चे अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हो, सही में ये अपने आप में बहुत अच्छी फीलिंग्स है। देखो इसके बाद हम बात करते हैं 92 की, वाटर मूवमेंट थ्रू द एपोप्लास्ट पाथवे इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाई द
कैस्पेरियन स्ट्रिप्स विच आर प्रेजेंट इन, जनरली इसकी हम बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर होता है वो तो उसको हम बोल देंगे, उसको इसका राइट आंसर होगा एंडोडर्मिस। क्या रहेगा इसका राइट आंसर? एंडोडर्मिस। और ये आप लोगों को समीर सर ने ऑलरेडी डिस्कस भी करवाया होगा, क्योंकि मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि हाँ ये क्वेश्चन ऑलरेडी एज इट उन्होंने आपको डिस्कस करवाया था। इसके बाद बात करते हैं 93 की। देखो मैंने क्लास के टाइम पर आपको कहा था कि कोई सा भी कंपिटिटिव एग्जाम हो आजकल जो होता है वो किससे, सॉइल जो सर्वे होता है जनरली इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। और ये मैंने सबसे लास्ट में टॉपिक कवर करवाया था, इसके टाइप में से कहां से क्या क्या क्वेश्चन आता है। अब जनरली स्टूडेंट्स ने क्या देखा है, यहां पर देखा है कि मेजर सॉइल ग्रुप्स वर्ड आ गया और कंफ्यूज हो गए। और मैंने कहा था कि ब्रॉड लेवल की बात की जाए, बहुत बड़े लेवल पर अगर आपको सर्वे करना है तो फिर आपको जो मैप का स्केल होता है वो भी लार्ज लेना होगा। और जैसे ही आपको छोटे एरिया पर सर्वे की बात आती है तो आप क्या करोगे, आप ऐसा सर्वे चूज करोगे जिसके ऊपर स्केल जो होता है स्मॉल होगा। जैसे मान लो आपको पूछ लिया था कि एक्सपेरिमेंट के लिए आपको जनरली कोई एक्सपेरिमेंट है या कोई प्रोजेक्ट है इसके लिए अगर आपको मान लो सर्वे करना है तो आपका जवाब होता कि डिटेल सर्वे लेना है। या आपको मान लो रिसोर्स इन्वेंटरी के लिए करना है कि रिसोर्स के बारे में आपको कंप्लीट मैपिंग करनी है तो आप कौन सा लेते, रिकंसिस्ट सॉइल सर्वे लेते। लेकिन यहां पर पूछ क्या रहा है, आपको पूछ रहा है ब्रॉड लेवल का पूछ रहा है, इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा रिकंसिस्ट जो सर्वे होता है इसका राइट आंसर होगा। याद रखना ब्रॉड लेवल पर सर्वे करना हो तो कौन सा करना है, रिकंसिस्ट करना है। या फिर मान लो अगर रिसोर्स इन्वेंट्री के लिए करना है तब भी आपको कौन सा करना है, रिकंसिस करना है। और आपको जैसे मान लो किसी प्रोजेक्ट के लिए करना है, किसी एक्सपेरिमेंटल यूनिट के लिए करना है जहां पर आपको इंटेंस स्टडी करनी है, आपको डीप स्टडी करनी है, या सॉइल प्रॉपर्टीज को बहुत क्लोजली एग्जामिन करना है तो वहां पर आपको डिटेल के बारे में बात करेंगे। और दूसरी इनकी जो मैपिंग यूनिट्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से कवर करवाया होता, अब आप लैंग्वेज में कंफ्यूज होकर अगर गलत करके आते हो तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा सोचने वाली बात है, ताकि आने वाले एग्जाम में आप इसको अच्छे से इंप्रूव कर पाओ, अपना बेहतरीन दे पाओ। Which one is the bud and leaf nematode? बहुत important question है। NR की अगर हम बात करते हैं, bud and leaf nematode की जब भी हम बात करेंगे तो देखो इसके लिए हम right answer की बात करते हैं तो इसका aphalanchoid जो होता है इसका right answer होगा। और ये जो question है bud and leaf वाला, ये क्या है, बहुत बार exam में आ चुका है, important question है, इसका आपको अच्छे से ध्यान दे लेना है, ठीक है। इसके बाद हम next की तरफ चलते हैं, अगला question आ जाता है 94 की बात करते हैं। The alkalinity is the alkaline soil depend upon the relative concentration of and partial pressure of CO2 in the soil solution. देखो एक चीज ध्यान देना, क्या पूछ रहा है, एल्केलिनिटी किसके लिए पूछ रहा है, एल्केलाइन सॉइल के लिए। और जनरली किसके कंसंट्रेशन पर, अरे एल्केलिनिटी जो होती है जनरली ये किसके द्वारा होती है, ये होती है कार्बोनेट एंड बाई कार्बोनेट के जो सॉल्ट होते हैं उनके द्वारा। और जब हम ऑप्शन की बात करते हैं यहां सिर्फ कार्बोनेट दे रखा है, पहला ऑप्शन गलत हो गया, यहां बाई कार्बोनेट भी दे रखा है और कार्बोनेट भी, इसको एक बार हम सोचते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कार्बोनेट और कार्बोनेट ये वाला भी हो गया, मतलब आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन बच रहे हैं, दो तो अपने आप कट गए क्योंकि एक ही ऑप्शन दे रखा है कार्बोनेट। काफी बच्चे कह रहे थे सर ये वाला हमारे को आया ही नहीं, करवाया गया ही नहीं है, तो बेटा आपको एक चीज बताता हूं, आपको लिखवा दिया है कि जनरली किसके द्वारा होता है, बाइकार्बोनेट या फिर कार्बोनेट के द्वारा। ये जो इसके जो सॉल्ट होते हैं वो किसमें, अल्केलाइन सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, आपके पास बच रहे हैं दो ऑप्शन। और जनरली आपको पता है तो अल्केलाइनाइजेशन जो होता है इसकी डेफिनेशन ही ये होती है, अल्केलाइनाइजेशन का मीन होता है अकुमुलेशन ऑफ सोडियम आयंस, इसको अल्केलाइनाइजेशन बोलते हैं, सेलेनाइजेशन का मतलब अकुमुलेशन ऑफ सॉल्ट। तो यहां पर अल्केलाइनाइजेशन का, अल्केली जो सॉइल होती है इसका फॉर्मेशन ही किससे होता है, इसका जनरली हम फॉर्मेशन की बात करते हैं तो फॉर्मेशन का रीजन ही है अल्केलाइजेशन और उसके अंदर सोडियम भी प्रेजेंट होता है। इसका मतलब राइट आंसर रहेगा फॉर सोडियम कार्बोनेट। और यहां पर ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया गया है, यहां पर दोनों ऑप्शन रिपीट हुए हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक तो है कार्बोनेट का और दूसरा है बाइकार्बोनेट का, मतलब एक में से हम क्या कर लेंगे, यहां पर यहां 2 लगा लेना बेटा, एक तो हो जाता है सोडियम कार्बोनेट और दूसरा हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका ये राइट आंसर रहेगा। यहां थोड़ा सा टाइपिंग में एरर है, इसका आप लोग ध्यान दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन जो आ जाता है वो आ जाता है 96, वाटर डिस्पर्जल ऑफ स्पोर इज कॉल्ड। जनरली हम बात करते हैं 96 की, तो 96 का देखो यहाँ वाटर लिखा हुआ है, अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगा लिया तो वाटर के थ्रू ही आप चाहोगे तो यहाँ ऑप्शन एक में ही हाइड्रो। अगर आप थोड़ा सा भी सोचोगे इस क्वेश्चन के बारे में, जनरली होता क्या है कि 100 नंबर का जो पेपर होता है उसमें 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया तो ऑलमोस्ट आप उसका राइट आंसर दे दोगे। अरे वाटर यहाँ पर लिखा हुआ है और पूछ रहा है कि उसके स्पोर को क्या कहेंगे, तो यहां आप जैसे जैसे देखोगे तो एक ही ऑप्शन है जिसमें हाइड्रो की बात कर रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, हाइड्रो जो कोचोरी होता है वो इसका राइट आंसर होगा। इसके लिए आपको ज्यादा माथापच्ची करने की भी जरूरत नहीं थी इसमें। इसके बाद 97 की बात करते हैं,
इसके बात करते हैं तो स्वर्णा सब फर्स्ट इज ए फेमस वेराइटी ऑफ, जो स्वर्णा वेराइटी है वो जनरली किसकी फेमस वेराइटी है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ये राइस की क्या है एक फेमस वेराइटी है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तो अगला आ जाता है 98, इसके अंदर हम बात करते हैं तो स्पेलोथीका रिलियासा कॉज विच डिजीज इन सोर्गम। देखो स्पेशियोथीका जो रिलियासा है ये जनरली कौन सी डिजीज कॉज करता है, तो ये आपको क्या करता है हेड स्मट जो होती है सोर्गम की वो कॉज करता है, ये आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा होगा डिजीज पैथोलॉजी के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट 99 की, तो जो फ्रो ओपनर यूज इन जीरो टिल सी ड्रिल आर, तो जनरली इसकी हम बात करते हैं तो ये कौन सा होता है इन्वर्टेड टी टाइप, ये आपका कहां से आ गया है ये आपके इंजीनियरिंग से आ गया है। इसके अलावा हम बात करते हैं लास्ट अंतिम क्वेश्चन, बेयर वेराइटी थार सेविका डेवलप्ड विद द क्रॉस ऑफ, किनके क्रॉस से हुई है, तो जनरली अगर हम इसकी बात करते हैं तो सेव और जो कत्था होती है इन दोनों के क्रॉस से इसको डेवलप किया गया है। आई होप आप लोगों में से ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से इस पेपर को सॉल्व किया होगा आपके सामने सर इनका जितने कितने और आई होप आप एक बार थोड़ा सा दो मिनट के लिए आपको परेशान करेंगे कि आप थोड़ा सा कमेंट डाल के अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा दे दो ताकि हम प्रेडिक्ट कर पाए कि क्या कट ऑफ हो सकती है आप लोगों की, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रेडिक्शन सही हुए देखते हैं बच्चों के, भाई आप कमेंट करना, देखिए अभी बता देंगे कि भाई क्या इधर हाउल बना हुआ है, तो इसमें काफी बच्चों का है सर। सुनना सर आप भी यही रहो और देखते हैं इनका कमेंट, देखो सर इसमें लगभग ये निखिल है, बताना इसमें कमेंट करके कितने आइडिया लगाओ, देखें फिर अपन बढ़ते आगे की ओर, भाई अपना क्या है स्केल, हम भी आपको एक प्रेडिक्शन मिल जाएगा हाँ, कि ऑलमोस्ट क्या रहेगा, क्या रहेगा? वैसे ये और... मीडियम पेपर है ना, इसको हम टफ कहेंगे ना इसको हम इजी कहेंगे हाँ। ये एक मीडियम लेवल का पेपर है जिसमें और बहुत ही 69 राइट है, इसमें से 69 राइट है, बहुत ही शानदार है, अच्छा यूनिवर्सिटी मिल जाएगी इसको गिप्पी को। और यहाँ पर सर हाँ थैंक यू आपने पढ़ा, वही क्वेश्चन आए, देखो डियर क्वेश्चन की बात है कि सर ने बताया कि लैंग्वेज का ध्यान दिया, मैंने भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया, अच्छी इजी लैंग्वेज बताया, लेकिन दो चार क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको समझना पड़ता है कि रियली में, अब 100 में से 100 तो करने नहीं होते, लेकिन फिर भी हमने ऐसा आपको मैंने इस प्रकार से सर ने इस प्रकार सभी रॉयल टीम ने इस प्रकार से पढ़ाया कि आप पूरे में से पूरे करो, हमारी कोशिश यही नहीं रहती, हमारी कोशिश ये नहीं रहती कि हम कम पढ़ाए ताकि कम, ऐसा नहीं है, पूरे में से पूरे हमने सोचते कि आपका अच्छा से अच्छा हो, खूब सारी क्लासेज होती है, अच्छा मैटर दिया जाता है कि हर एग्जाम में आपके कहा है, ठीक है। तो आप सर आपने बहुत ही अच्छा 89 में से 45 बहुत ही अच्छा, हाँ ये है रोशन कुमार के बोल रहे हैं सर 45 भाई अच्छा क्वेश्चन है इसमें 83 भाई अच्छा मार दिया तूने तो, है ना, राज किशोर ने 83 बोल रहे हैं और मीना यहाँ पर 57 राइट बोल रहे हैं और बहुत ही अच्छा। चलो मिलते हैं, अभी आपकी जो आंसर की आ चुकी है इनमें से लगभग सभी के सही है, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकती है वो गलत नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी क्या मानती है क्या उस पर डिसाइड करता है वो अपन देखेंगे। और ये आंसर की आपकी फाइनल है, बहुत ही शानदार पेपर था वास्तव में, रियली पेपर जो एक बोलते हैं लेवल वाला क्वेश्चन थे और उसमें पढ़ने वालों को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिला है। आगे जो एग्जाम है जिसकी मान लो आप जीआरएफ की कर रहे हो तो थोड़ा बहुत और पढ़ लो, देना चाहिए बीएचयू का भी देना चाहिए, एमपी में जो है सभी प्री पीजी में जो पीजी के एग्जाम वो देना चाहिए, इससे अच्छा ये है कि कहीं ना कहीं तो अपना होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ प्री पीजी का आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, राजस्थान में आराम से मिल जाएगा विदाउट टेंशन। और हाँ सर नए बैच की बात करें, 1 जुलाई से स्टार्ट है नए बैच और आ सकते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही है, हाँ ये भी बात करते हैं अपन न्यू बैच, हाँ न्यू बैच मोहित बोल रहा है कि न्यू बैच 1 जुलाई से स्टार्ट है, आओ आप। और कई सारे आजकल तो एडवांस बच्चे हो गए हैं, जूनियर हो गए, आज को थर्ड ईयर में आने लग जाते हैं कि सब क्या कर रहे हैं पढ़ाई, तो ये भी एक कंपटीशन का कारण है, पहले जो बच्चे प्री पीजी में थे वो फोर्थ ईयर में आके सचेज करते थे, आजकल सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से पढ़ाई करने लगे, तो पीछा नहीं अपने को, ज़्यादा पीछे नहीं रहना है, टाइम रहते हुए अपने को ज्वाइन करना जहाँ पर भी अपने को, और रियली में कंटेंट आपको मिला है जो भी है, ऑनलाइन वाले बच्चों का भी अच्छा रेस्पॉन्स है और ऑफलाइन वालों का दोनों का, ठीक है सही बात है। आप पढ़ाए देखो मैंने तो आपको इतना इजी लैंग्वेज लिखाया था, आप भी जानते हो पढ़ाया जब मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज लिखाई थी, शानदार लैंग्वेज लिखाई थी, कई सारे बच्चों की समस्या ये होती है सब आते हैं कि सर जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं इंग्लिश को कवर नहीं कर पाते, मैंने आपको एक ही विश्वास दिलाया था एक बार क्लास लो आप एकदम आपको इजी, मैंने आपको लिखा एकदम सिंपल सेंटेंस और आप देख सकते हो क्वेश्चन की लैंग्वेज वही लैंग्वेज आई है, मैंने आपको लिखा है सुगर बीट वाला कितना इजी लैंग्वेज लिखाया था कि सुगर बीट इज नेसेसरी फॉर एक असेंशियल फॉर शुगर बीट होता है, तो ये चीजें मैंने आपको बहुत इजी लिखा है, लगभग एग्रोनॉमी से अगर देखा जाए तो 25 क्वेश्चन आए हैं, 25 रिलेटेड करें अगर
25 क्वेश्चन मायने रखती है और उसमें से लगता नहीं कोई बाहर आया, आप खुद बताना मेरे को सर बाहर आया, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है, वैरायटी थी थोड़ा सा। वो वैरायटी देखो, ये मैंने पहले बोला था कि इजी वैरायटी आपको पढ़ना है, अगर मान लो वैरायटी में टाइम वेस्ट नहीं करते हो तो देखो जो वैरायटी आपको नहीं आई किसी को नहीं आएगी। और पेपर अटेंड करने का बताया कैसे करना है, थैंक यू सो मच। कट ऑफ आपको बता दी जाएगी, देखो आप अभी बता रहे 58 गए हैं, किसी के मतलब 38 भी है, 45 भी है, बात मतलब कहने का मतलब पेपर का अच्छा लेवल था। थैंक यू सो मच, मिलते हैं, आप कमेंट जरूर करना कि कितने आपके क्वेश्चन हैं और कैसा आपने मतलब पेपर में क्या गलती की, वो डेफिनेटली अब नेक्स्ट टाइम गलती नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक और मिलेंगे जल्दी कॉलेज, मिलेंगे आरसी कॉलेज में, वरना आप कहीं भी अगर आप लेते हो आपकी जैसे बीकानेर, जोबनेर, जोधपुर, कहाँ मिलते हो, मिलते हैं जरूर। थैंक यू सो मच, हैव ए